भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एवं युवा कांग्रेस के संयुक्त नेतृत्व में बुधवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पिछले दिनों चीनी सेना के कायराना हरकत करते हुए भारतीय सेना पर हमला किया जिसमें 20 जवान शहीद हो गए, जिससे आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट पर चाइना का झंडा और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाकर विरोध दर्ज किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष सुमित पांडे ने कहा, बंद करो, बंद करो, जय भारत माता की, जय भारत माता के, जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, देश शहीद, देश शहीद, अमर रहे, देश शहीद, अमर रहे, देश शहीद, भारत माता की, जय भारत माता के, जय भारत माता के, जय पांडे। प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई, कल चाइना द्वारा भारत के सरहद पर जो हमला किया गया और हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, इसके विरोध में एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और समस्त कांग्रेस जन एक साथ मिलकर या चाइना के राष्ट्रपति का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर हम चाइना का विरोध करते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम समस्त एनएसयूआई, कांग्रेस जन और पूरा देश आपके साथ है। आप चाइना को सबक सिखाने का कार्य कीजिए, जिससे आइंदा ये चाइना ऐसी गिरी हुई और घिनौनी हरकत ना करे।